हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अब्दालियंस। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो। और लाइट्स की शश के आप थोड़े देख लें, काफ़ी अच्छी लगती हैं ये। मैंने मोबाइल में दो नई गेम्स इंस्टॉल की हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी और न्यू स्टेट इंस्टॉल की है। इनके भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इनका भी रिव्यू करें, रेडमैजिक के अंदर इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो लेटर ऑन इनके रिव्यूज़ भी आएंगे चैनल पे। अभी आपका बाइक जो है ना, जो आज आपके लिए वीडियो लेकर आया वो काफ़ी अच्छी है। वाओ के ये जो बीच में न्यू मैप्स आए हैं, न्यू मोड हैं, इसमें काफ़ी अच्छी आपकी क्लोज रेंज की प्रैक्टिस हो सकती है, लॉन्ग रेंज की आप स्प्रेज अपने ठीक कर सकते हैं। तो इन जितने भी तीन मैप मैं आपको शो करूँगा इसमें गेम प्ले में, और तीनों के कोड आपको मैं नीचे वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और स्प्रेज आपकी काफ़ी अच्छे होंगे, हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे अच्छे मैप्स भी आप लोग जानते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा, अगर अच्छे हुए तो उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो ये जो पहला मोड हम लोग खेल रहे हैं वाओ का, इसमें आपके रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, आपको अपनी सेंसिटिविटी के बारे में पता लगता है कि आप कि लॉन्ग रेंज कैसी है। अभी आप इसके कॉर्नर पे देखें तो लास्ट में आप जाओगे तो आपको 250 प्लस मीटर्स की रेंज मिलेगी। तो आप अपने लॉन्ग स्प्रे चेक कर सकते हो 250 मीटर्स पे आपकी कैसी परफॉर्मेंस है स्प्रेज की, और क्लोज में आप मार रहे हो तो कितनी रेंज में आप लोग मार रहे हो बंदे को। जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे और फिर लेविक में जाओगे, रेंगल में जाओगे, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर आप जो है ना वो एनिमीज़ पर फायर करोगे और आप शौक हो गए कि आपका स्प्रे कितना अच्छा हो गया। और जो भी आपकी कमियां कोताहियां होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो आप इसको जहन में रखते हुए अपनी सेंसिटिविटी को भी ठीक कर सकते हो। एंड इसके बाद जो दूसरे दो मोड मैं खेलूँगा वो भी मुझे बहुत पसंद है। एक तो TDM की तरह का है जो अभी इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जो क्योंकि हमारा नॉर्मल जो TDM की गेम प्ले होता है उसमें बहुत ज़्यादा कैंपिंग होती है, कंटेनर्स लगे होते हैं, लोग पोजीशंस जो हैं होल्ड करके बैठ जाते हैं और अपनी साइड से नहीं आते, और वो हमेशा अपनी जो है वो राइट साइड देख रहे होते हैं कि इधर से एनिमी आएगा तो उससे मारेंगे। तो वो जो मैप आपके साथ शेयर करूँगा वो भी देखिएगा, काफ़ी अच्छा मैप है। उसमें मतलब आप कैंपिंग वाला सीन नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ वॉल्स हैं, वो भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। बाकी आपके साथ मैं कुछ स्टैट्स शेयर करता हूँ चैनल की कि मुझे कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। काफ़ी खुशी होती है कि आपको दुनिया से कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं और आपके कंटेंट को लाइक करते हैं। और मैं तो जितने भी कमेंट्स आते हैं, कभी मैं रशिया में ट्रांसलेट करके उसको जवाब दे रहा हूँ, कभी अरबी में, कभी पुर्तगीज़, कौन कौन सी लैंग्वेज में मैं लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जी मेरे चैनल को देखा जाता है इंडिया में, उसके बाद देखा जाता है पाकिस्तान में, उसके बाद इराक में, तुर्की में, सऊदीया में, रशिया में, मलेशिया में, बांग्लादेश में, उज़्बेकिस्तान में, इंडोनेशिया में एंड सो ऑन। इस तरह काफ़ी मुल्कों में मेरी वीडियोस को देखा जाता है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। बाकी कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी आप ये लॉन्ग स्प्रे का देख लें और अभी मूव होते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ और नेक्स्ट मैप की तरफ वाओ का, जो कि मुझे काफ़ी फेवरेट्स में है मेरे, और वो मैं खेलता रहता हूँ अक्सर। कहता भी तो एक दो बार ही खेला है, लेकिन इंशाल्लाह लेटर मैं उस पर भी खेलूँगा, वो मैप भी देखिएगा। और लास्ट में एक मैप होगा जिसमें आप स्नाइपिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए चलते हैं दूसरे मैप की तरफ।
Thank you.